दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है और इस बीच हमारे सामने कई सारे व्यवधान सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा बिहार में शिक्षक बहाली समय समय पर स्थगित होती रहती है और लाखों अभ्यर्थियों के सपने इससे प्रभावित होते रहते हैं और सरकार जान की बहाली करने के मूड में नहीं है, जिसका खामियाजा बिहार के सभी अभ्यर्थी भुगत रहे हैं विगत कुछ वर्षों से। अगर हम बात करूँ 2011 से ही तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बहाली को लेकर। बावजूद इसके अभ्यर्थी की जो मनोदशा है, उनकी व्याकुलता, वो सरकार तक नहीं पहुँचती है। सरकार सबके अरमानों में पानी फेरती है और कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ के चाहती है कि बहाली को हम जितना डिले हो सके उतना करते जाएंगे, चुनाव तक लाएँ या चुनाव के बाद करें। खैर वो क्या सोचते हैं इन सबसे मतलब नहीं है, हम काम की बातें करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर जो है NIS DLED को लेने के लिए NCT की तरफ से एक लेटर आया है, जिसमें कहा गया कि हम पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। इट मीन्स कि वो LPA डबल बेंच में नहीं जाएगी और सारा उसने जो अपना बात है वो बिहार सरकार पे छोड़ रखा है, आपको आगे जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। तो बिहार सरकार भी कहती है कि हम भी अब LPA डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम DLED 18 महीने से जो किया हुआ इसको हम नियोजन में मौका देंगे। क्या सरकार की यहाँ पे इच्छा, वो जो करना करे, लेकिन हमारा मेन मांग है हमारी बहाली बहुत जल्द करे, क्योंकि अब हमें इंतज़ार नहीं होगा और हम सभी अभ्यर्थी अब सड़क पर उतरने को विवश होंगे अगर हमारी बहाली और भी यहाँ से लेट हुई तो। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम बहाली जितना हो उसको उतना डिले करें और ऐसा हम होने इस बार बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसलिए कुछ भी हमें करना क्यों ना पड़े। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि रंजीत सर लाइव बार बार आते रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और अपनी बातें अच्छी तरीके से रखते हैं। उन्होंने अपनी बात को बहुत संक्षेप में लिखा हुआ है कि हम 10 जून तक अपना शेड्यूल जारी कर देंगे। खैर हमें 10 जून तक उनका वेट रहेगा, सर कुछ इसमें सकारात्मक पहल करें और शेड्यूल इसका विलंब प्रकाशित करें और बच्चों के सामने उन नियोजन प्रक्रिया को पुनः शुरू करें। अगर सर ऐसा नहीं करते तो हमें उनसे जाके मिलना होगा और कहीं ना कहीं उनको ज्ञापन देते हुए उनके सामने मांग सोशल मीडिया से लेकर सचिवालय तक रखनी होगी कि अब और विलंब हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय बीत रहा है, हम परेशान हैं और अभ्यर्थी जो हैं बहुत ही, कई अभ्यर्थी तो ऐसे जो कि फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी बीमार हैं। उनकी मनोदशा को देखते मुझे यही लगता है कि हम सभी अभ्यर्थी एक साथ फिर कुछ भी करने को विवश होंगे सरकार के समक्ष, क्योंकि हमें और इंतज़ार नहीं रहा जाता। इस बीच शिक्षा के कुछ दलाल, चंदा चोर, जो कभी कोई परीक्षा पास नहीं करते, वो अभ्यर्थी को बरगलाती हैं कि दिसंबर CTET को मलाव करवा देंगे। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस ग्राउंड पे आप ये बात कह रहे हैं? आप अभ्यर्थी को लाखों का चूना लगा रहे हैं, उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं, उनसे उनके पैसों को आप मिसयूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको बरगला के आपका यही काम पेशा बन चुका है कि चंदे के नाम पर पैसा मांगना और सारी भर्ती प्रक्रिया में अपनी टांगे अड़ाना। तो मैं उनसे साफ साफ एक मैसेज कह देना चाहता हूँ, दिसंबर CTET किसी कीमत पर अलाउ नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना होगा हम करने को तैयार हैं, इस बात का ध्यान रख लेना, किसी कीमत पर। मतलब कोई ग्राउंड नहीं बनता है दिसंबर को अलाउ करने का। रीज़न क्लियर है कि 23 नवंबर 2019 तक जिनका जो भी पात्र थे, एलिजिबल थे, वही आवेदन करने के इसमें इच्छुक अभ्यर्थी थे, ये एप्लीकेबल थे। तो इस बीच कुछ NIS DLED के अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, जो न्यायालय की शरण में गए थे, वहाँ से जजमेंट ले गए थे। खैर जुलाई तक को अगर सरकार ले रही है तो हमें कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है बिहार के अभ्यर्थियों को ले, लेकिन अगर दिसंबर को अलाउ करती है तो हम हर एक मोर्चे से सामना करने को तैयार है, चाहे वो न्यायालय का मोर्चा हो, सड़क का मोर्चा हो, या कैश किसी प्रकार मोर्चा हो। और स्पेशली इन दलालों से तो मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि आप अभ्यर्थी नजर पर हाईलाइट हो चुके हो, बच के रहना आप कहीं पे, क्योंकि अगर अभ्यर्थी की नौकरी नहीं लगी ना, इनका जीवन बर्बाद हुआ ना आप कुछ लोगों के चलते, तो इसका खामियाजा आप भुगतने के तैयार रहेंगे, क्योंकि आप कि मनसा बहाली लोग ठीक नहीं है। मात्र कुछ लोग CTET दिसंबर पास है, वो अपने स्वार्थ के लिए बलि का बकरा सभी अभ्यर्थियों को बनाते हैं और कहते हैं कि हम आपको अलाउ करवा देंगे, मौका दिलवा देंगे। अरे भैया आपकी सरकार है क्या, कुछ नियम कायदे कानून होते नहीं होते हैं? दूसरी बात, अगर आप दिसंबर की बात करते तो क्यों नहीं आप बात करते जुलाई 2020 को भी शामिल करवा देंगे, क्यों फिर दिसंबर 2020 को भी शामिल करवा देंगे? ये ड्रामा बना रखा है क्या? एक बात क्लियर कट मैं कह देना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर दिसंबर को अलाउ होने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अगर ज़्यादा ही करेंगे तो हम वैसे काम करने को मजबूर होंगे जिससे बहुत से अभ्यर्थियों का इससे नुकसान भी हो सकता है। कहीं कहीं आपको मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर हमें लगेगा कुछ ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम वो सभी निर्णय लेने को बाध्य होंगे जो मजबूरी में लेना पड़ेगा, हम लेने के मूड में नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरा क्या इशारा मैं कहने जा रहा हूँ।
हम चाहते हैं हम सभी मिलकर सचिवालय में दबाव बनाएं कि शेड्यूल बहुत जल्द निकाला जाए और इसको किसी कीमत, चुनाव तो खैर बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, इसको 2 महीने 2.5 महीने में इसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और कुछ NIS के दलाल नेता जो भड़काते दिसंबर सीट को अलाउ करवा देंगे, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, सरकार आपके घर की है क्या, कैसे करवा देंगे अलाउ? और जो रेगुलर अभ्यर्थियों क्या झाल बजाएंगे बैठ के अपना, उन पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? हम लोग कुछ नहीं बोलते तो आप सर पे चढ़ते जा रहे, दिसंबर को अलाउ करवा देंगे तो अनशन कर लेंगे, तो फला ढिमकाना कर लेंगे, कुछ भी कर लीजिए, दिसंबर का कोई हक नहीं बनता इस नियोजन में शामिल होने का। तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिसंबर को लेते हैं तो इसका कहने का मतलब साफ साफ है कि पूरे भारत से आवेदन आएंगे दिसंबर के नाम पे, और आवेदन लाखों की संख्या में होंगे, और आवेदन सिर्फ दिसंबर वाले नहीं करेंगे, यहाँ पे रेगुलर वालों को भी उकसाया जा रहा है कि रेगुलर वाले भी आवेदन करेंगे, NIS दिसंबर वाले भी आवेदन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आवेदन पहले कर चुके हैं, जो 20-20 हज़ार रुपये अपने लगा चुके आवेदन में, क्या वो लोग छोड़ देंगे? जो अपना समय बर्बाद करके 20-20 हज़ार रुपये घूम के आवेदन किया है, यानी कि अब सबको दोबारा आवेदन करवाने को विवश करेंगे कुछ लोग। तो मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, स्पेशली मैं रंजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो सर देखिए, कुछ लोग जो हैं शिक्षा को, खासकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने में तुले हुए हैं, ये फेलियर्स लोग कभी पास नहीं होते, इत्तेफाक से कहीं पेपर पास कर जाते हैं और अभ्यर्थी को ठकने का काम करते हैं। सर इन पे आप एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, और हम लोग बहुत जल्द सचिवालय में ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और ज्ञापन भी दे के आएंगे कि कुछ लोग शिक्षक बहाली प्रक्रिया को हमेशा बाधित करते रहते हैं, और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम बिहार के तमाम 95,000 रेगुलर अभ्यर्थी कुछ भी बड़ा एक्शन लेने को विवश होंगे। हम सरकार से गुहार करते कि हमारी जो नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल है वह अविलंब जारी किया जाए। साथ ही मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो समय आ चुका है कि एक साथ एक मंच पे आइए और इस बहाली को पूरा करवाने में अपना अहम योगदान दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ नहीं आएंगे सरकार हमारा फ़ायदा उठाएगी। सरकार तो खैर छोड़िए, सरकार तुम्हारी बात मान भी जाएगी, ये दलाल जो कुछ लोग चंद अभी जन्म के खड़े हुए हैं, ये हमें परेशान करते रहेंगे। खैर इनकी परेशानी में कोई समस्या उत्पन्न होने नहीं जा रही है, ये रीट करे कोर्ट में जाके, ये PIL करे, कुछ भी करें। अगर हमें लगा कि हमारे खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम लोग बाध्य होंगे कुछ भी बड़ा एक्शन लेने से। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बिहार के तमाम अभ्यर्थी आप सचिवालय में दबाव बनाइए कि अविलंब शेड्यूल का प्रकाशन हो, क्योंकि बिहार में बस सेवा शुरू हो चुकी है, 8 जून के बाद सामान्य स्थिति में हर चीज़ खुलने जा रही है, तो अब बहाना आपका नहीं चलेगा कि अब लॉकडाउन है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बहाली हो सकती है, जब राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाएं जून में आयोजित हो सकती हैं, हरियाणा में नियोजन पत्र मिल सकता है अभ्यर्थियों को, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? सवाल तो मेरा ये है शिक्षा विभाग से, और हम कितना इंतज़ार करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो आप सभी से एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप सभी एक मंच पर आइए। और दूसरी बात, मैं जुलाई NIS से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग दिसंबर के खिलाफ खुल के नहीं बोले तो हमारे रेगुलर अभ्यर्थी बहुत गुस्से में है, वो कोई बड़ा डिसीजन लेने को विवश होंगे इस चीज़ के लिए। हम नहीं चाहते हम कोई भी केस मुकदमे में जाएं, किसी के खिलाफ कुछ लिखें बोलें, हम सिर्फ बहाली चाहते हैं, बहाली करने के पक्ष में हैं, इसीलिए हम यही चाहते हैं किसी भी तरीके से हम सही मिलकर दिसंबर को इस नियोजन में शामिल होने से रोकें, क्योंकि रीज़न साफ है, क्योंकि लोग इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, इनका कोई ग्राउंड नहीं बनता, ये लोग लाखों की ठगी करते हैं अभ्यर्थियों को बरगला के, जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं बिहार के तमाम संगठन से अभ्यर्थियों से गुहार करना चाहता हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, बी यूनाइट एंड लेट्स फाइट इट टुगेदर विद गवर्नमेंट एंड एज वेल एज फॉर दी ब्रोकर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार, मतलब कुछ दलालों से हमें लड़ना है मिलजुल के। दोस्तों इसको आप सीरियसली लीजिए, और सभी आप जग जाइए, अब समय आ चुका है कि हम सभी एक साथ मिलकर सचिवालय से शेड्यूल निकलवाएं और बहुत जल्द नियोजन पत्र शामिल करवाएं। और कुछ लोग केस के नाम पे चंदा और मांग रहे हैं, CTET बनाम BTET, DED बनाम BED, NIS बनाम रेगुलर, तो इन सब बातों में कोई बात नहीं रह गई है, हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, हमें सिर्फ बहाली चाहिए। बस हमारा एक मकसद है कि दिसंबर सीट को अलाउ नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, चाहे इसलिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और अगर हमारे 95,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर अहित होता है तो हम सभी कुछ भी बड़ा एक्शन लेने को विवश होंगे। ये एक मैसेज साफ साफ उन अभ्यर्थियों के लिए मेरा है जो अभ्यर्थियों को बरगला रहे दिसंबर सीट के नाम पे, उनसे चंदा मांग रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हम किसी कीमत पे उनको शामिल होने नहीं देंगे, इसके लिए हम बाध्य हैं। क्लियर मैसेज है, हम नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, और हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से इनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए और बहुत जल्द एक मंच पे आके बिहार पे सरकार पे दबाव बना के नियोजन प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी करवाया जाए, क्योंकि अब स्थिति सामान्य होने जा रही है, हम और बहाना नहीं चाहेंगे। जब भी सर लाइव आए रंजीत सर, उनसे की बात कही है कि सर शेड्यूल दीजिए, और सबसे छोटा शेड्यूल लीजिए, लंबा वाला नहीं, जो कि एक बार में पूरा शेड्यूल का पालन हो जाए।
तो फिलहाल कितनी बात आपसे कहना चाहता हूँ, उम्मीद करूँगा मेरी बात से सहमत होंगे। आप कोई सुझाव देने हो तो कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं इस वक्त दिल्ली में पार्क में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं बिहार आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ बारिश सबकी हो और जल्दी हो बस, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता शिक्षक बहाली है और कुछ नहीं। थैंक यू।